झंझारपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी को दबा लीजिए जो हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। झंझारपुर 10 न्यूज। जमुई न्यूज। जमुई के सिकंदरा में 4 दिन पहले ही खोली गई थी निजी फाइनेंस कंपनी की शाखा। कर्ज देने का झांसा देकर सैकड़ों महिलाओं से लाखों ठग कर नॉन बैंकिंग कंपनी फरार। जमुई शेखपुरा की महिला बनी शिकार, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर धोखाधड़ी। बासोपट्टी न्यूज। कलवाही थाना क्षेत्र के राड गांव के निकट अचानक चलती बस खराब हो जाने के कारण वाहन पेड़ से टकरा गई। बस में करीब 40 यात्री सफर कर रहे थे। मधुबनी के तरफ से कलवाही होते बासोपट्टी की ओर चल रही बस आ रही थी, इसी क्रम में बस अचानक पेड़ से टकरा गई। मधेपुर न्यूज। एसीपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने मधेपुर थाना का लिया जायजा। हफ्ते भर में 1.5 गुना कांडों का निष्पादन करने के निर्देश। गांव के 10 अच्छे व 10 बुरे लोगों का नाम थाना को निश्चित रूप से दे। चौकीदार अपने साथ हमेशा पॉकेट डायरी भी रखे। मणिगाछी न्यूज। मणिगाछी के माँ बेहट गांव में मन्नतें पूरी होने पर भक्त चांदी की बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को करते हैं अर्पित। लोगों की मान्यता है कि इनके प्रति आस्थावन भक्तों को पुत्र पुत्री एवं जीविका सहित अन्य मन्नतें पूरी होती है। मुजफ्फरपुर न्यूज। इस्तीफा दिए बगैर दूसरे संस्थान में नौकरी ज्वाइन कर लेने वाले पूर्व रेलवे के सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय व धनबाद मंडलों के करीब 1000 ग्रुप डी कर्मचारियों की दोनों नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। बेनीपट्टी न्यूज। गुरुवार को कोर्टरूम से बाहर जाते समय अधिवक्ता कुंदन कुमार और तैनात सिपाही के बीच हुई थी मारपीट। दुर्व्यवहार को लेकर जिले के वकील ने खोला मोर्चा। इधर सिपाही सुधीर ने भी अधिवक्ताओं पर दर्ज कराई प्राथमिकी। झंझारपुर न्यूज। झंझारपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नगर पंचायत के रामचौक के समीप पुलिस ने बोलेरो से ले जा रहे नेपाली शराब समेत चालक व कारोबारी को एक साथ दबोच लिया। बोलेरो में 6 जूट के बोरे में 30 कार्टन रखे नेपाली शराब मामाश्री को जब्त कर लिया गया। मधुबनी न्यूज। नव क्षेत्र में 99% दुकान बिना ट्रेड लाइसेंस से चल रही है, प्रशासन बना लापरवाह। नव क्षेत्र के दुकानदारों के बैनर व पोस्टर पर ट्रेड लाइसेंस नंबर नहीं होगा तो लगेगा जुर्माना। इसके बाद 37 ने अब तक लिया है ट्रेड लाइसेंस। झंझारपुर न्यूज। झंझारपुर में नगर पालिका बनने जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 2, 3, 4 और स्टेशन बाजार में भी नगर पालिका बनने जा रहा है। उसके बाद पानी की समस्या झंझारपुर में खत्म हो जाएगी। झंझारपुर न्यूज। घोघटिया प्रखंड स्वराज विकास संघ जगतपुर ने दूसरे दिन शुक्रवार को झंझारपुर अनुमंडल मुख्यालय स्थित बेहट अवस्थित कार्यालय में 91 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी है उसे ज़रूर दबा दीजिए।